ये हाथी हमारा जो है हेरिटेज से जुड़ा हुआ जानवर है और इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा मिला है। और वैसे तो इसका संकट नहीं है, लेकिन जो पर्यावास है उसकी वजह से इसके ऊपर संकट है। तो ऐसे हाथी दिवस का आयोजन जो किया जाता है वो लोगों में हाथी के प्रति जागरूकता, उसके पर्यावास के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो हाथी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जंगल में लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट का इसको दर्जा दिया गया है। ये एक जंगल में नहीं रुकते, एक जंगल से दूसरी जंगल में जाते हैं, जिसकी वजह से ये काट छांट भी करते हैं, पेड़ों का संवर्धन भी करते हैं। तो निश्चित रूप से इसको बचाए जाने की ज़रूरत है, और ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, अपने आप में एक प्रतिनिधित्व करता है जंगल का और उसकी हेल्थ को बताता है। और कॉर्बेट में पिछले कुछ वर्षों में हाथी की गणना जो है जब की गई तो उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये उसके संरक्षण के प्रयासों का ही नतीजा है। आज हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आज के दिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कुछ लोकल एनजीओज के माध्यम से भी। हाथियों का महत्व तो क्या है, हाथियों का इकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से इकोलॉजी के साथ डेवलप हुए हैं समय के साथ, इन सब के विषय पे चर्चा की जाएगी। और स्थानीय बच्चों को जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार से उनको इन्वॉल्व करते हुए अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो 2020 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार जो संख्या है वो 1223 के आसपास है।